तो गाइज यार वंस अगेन आज का गेम प्ले भाई साहब एकदम यार है तगड़ा, क्योंकि यार आज की गेम प्ले में वापस किया है बंदों से झगड़ा, और भाई साहब खोदा है गड्ढा फिर उनकी मुंडी को है उसी में रगड़ा। तो यार गेम प्ले को पूरा आखिरी तक देखना। और भाई यहाँ पे भाई लैंडिंग की बात करें तो उतरे थे भैया साहब बिना नाम वाली जगह पे। तो यार आप लोगों ने भाई देखा होगा पिछला वाला वीडियो, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई इस वाली जगह को कोई नाम नहीं है। और भाई साहब मिल जाती है शॉर्ट गन और दो बंदे होते हैं, तो यार ये लोग नेड वगैरह फेंकते रहते हैं लेकिन यार रस नहीं करते। तो यार जब रस करते हैं थोड़ी देर बाद तो मैं आ जाता हूँ भैया पीछे से कूद के, और देखो भैया कैसे बजाते हैं इन लोगों को पापी गन से। तो यार यहाँ पे इन दोनों को पापी गन से भैया बजा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भैया कलुआ मतलब भैया आदत भैया हो चुके थे नंबर वन भैया हैकर से नॉक। तो यार देखो भाई कैसे हैकर को बजाते हैं, लेकिन यार थोड़ा लूटपाट कर लें। तो यार यहाँ पे बोट को छोड़ते हैं और यार चलते हैं हैकर को बजाने और आदत भैया को बचाने। तो यार जैसे यहाँ पे मैं आदत भैया को रिवाइव कर रहा हूँ, एशिया के टॉप टू हैकर्स आ जाते हैं भाई, और यार मैं इन लोगों को बजा देता हूँ। मैं यार वापस से करता हूँ भाई साहब आदत भैया को रिवाइव। और यार यहाँ पे देखो यार ये जो यार यहाँ पे भैया लुटुर पुटुर छुटुर पुटुर बाकी था, तो यार यहाँ पे जितने भी घर थे उन सबको लूटते हैं। और यार वापस चलते हैं भैया गाड़ी के पास, क्योंकि यार बंदों को ढूंढना है, उनकी करना है तलाश, तभी तो यार बिछाएंगे ना उनकी लाश। तो यार यहाँ पे आ जाते हैं गाड़ी के पास, और जैसे भैया मैं गाड़ी में बैठता हूँ कलुआ को भी बैठाता हूँ। यार सामने से देख सकते हो आप लोग गाड़ी आ रही होती है, और ये लोग भैया गाड़ी ठोक देते हैं। तो यार देखो कैसे बजाते हैं। तो यार यहाँ पे फाइनली इन लोगों को भी बजा देता है आपका भाई और कलुआ दोनों मिलकर। तो यार इन लोगों को बजाने के ऊपर अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक ठोको भाई। तो यार इन लोगों को बजाने के बाद इन लोगों की पेटियाँ लूटता है आपका भाई, और यार यहाँ पे एकदम धुआंधार लूट मिल जाती है, मतलब भाई समझ सकते हो आप लोग, मतलब यार बहुत ज़्यादा एमो और गन सब कुछ मिल जाता है भाई, हील वगैरह सब कुछ। तो यार आप यहाँ पे वापस से बैठते हैं गाड़ी में और आ जाते हैं थर्ड हील की तरफ, क्योंकि यार इसी तरफ सर्कल बना हुआ था पास में। तो यार यहाँ से हम लोग जाते हैं लेकिन एक भी बंदा नहीं दिखता, लेकिन यार थोड़ी देर बाद भैया इतना गोली बरसाते हैं कि यार गाड़ी से धुआं निकलने लगता है भाई। तो यार यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सीढ़ी के ऊपर चढ़ता हूँ, क्योंकि यार ग्लिच हुआ था इसीलिए लेटना पड़ता है भाई। तो यार इन लोगों की पहले यार गाड़ी फोड़ते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले बॉट को ठिलाते हैं यार। तो यार सबसे पहले इनकी गाड़ी फोड़े यार ताकि ये लोग भाग ना पाए भाई। यार पंगा लिया है तो यार इनको मारेंगे एकदम नंगा करके। तो यार फाइनली यहाँ पे इन लोगों की गाड़ी बुला देता है, मतलब यार जला देता है आपका भाई। उसके बाद यार स्कोप नहीं होता तो भाई कलुआ से मांगता हूँ स्कोप, और देखो कैसे मारता हूँ इन लोगों को। तो यार होलो से तो स्पॉट नहीं हो रहे थे बंदे, लेकिन भैया 3x से स्पॉट हो जाते हैं, और स्प्रे भी देता हूँ लेकिन यार कुछ उखाड़ नहीं पाता बंदों का। तो यार गाड़ी से यहाँ भाई धुआं निकल रहा था, प्रदूषण फैल रहा था, तो इसको भैया जला देते हैं एकदम से। उसके बाद भाई साहब ये बंदे भाई साहब दिख नहीं रहे थे, तो यार आ जाते हैं भैया सर्कल की तरफ, और ये चचा पते नहीं कहाँ दौड़े हुए जा रहे थे, तो इनको भी ठिरा देते हैं भाई। उसके बाद यार यहाँ पे भाई पड़ने लगती है, तो यार मैं कैसे भी बच के आ जाता हूँ पेड़ के पीछे, और भैया लगाता हूँ हीलिंग वगैरह। तो यार यहाँ पे भाई पता नहीं क्या सीन होता है, मैं भाई स्केटिंग का यूज करके जा रहा होता हूँ सर्कल में, तो यार मेरा पिंग एकदम से भाई हाई हो जाता है, लेकिन यार कैसे भी बच के वापस से हील लगाता हूँ। उसके बाद भाई साहब रगड़ते फिसलते स्केटिंग का यूज करके आपका भाई आ ही जाता है भाई सर्कल की तरफ। और यार यहाँ पे ईस्ट पोर्ट में आने के बाद भैया गाड़ी लेते हैं, और यहाँ पे भैया ब्रिज मतलब यार पुल को डाक के मतलब पुल के उस पार चलते हैं, क्योंकि यार उसी तरफ सर्कल बना होता है। तो यार यहाँ पे आ जाते हैं पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि गाड़ी में नहीं था तेल और भाई साहब पेट्रोल पंप में भी नहीं था तेल, तो यार क्या कर सकते हैं भाई। तो यार मैं यहाँ पे भाई साहब गाड़ी को पीछे करता हूँ और उसमें चबा रहा होता हूँ पैन किलर, मतलब यार समझ सकते हो आप लोग। और यहाँ पे दो बंदे दिख जाते हैं पीछे, तो यार मैं उठाता हूँ पापी गन और भाई चढ़ जाता हूँ इन बंदों पे। तो देखो कैसे बजाते हैं इन लोगों को। तो यार यहाँ पे इसको मारने के बाद इसका जो भैया साहब टीममेट होता है वो पना पीने के लिए आगे जाता है, मतलब यार समझ सकते हो भाई, मतलब यार क्या समझोगे आप। तो यार यहाँ पे इसका जो टीममेट हो जाता है भैया वो मतलब यार चबा रहा होता है पेन किलर वगैरह कुछ भी कर रहा होता है, तो यार इसको भी बजाते हैं। और यहाँ पे भाई साहब सर्कल वापस से भाई साहब आगे बन चुका होता है, तो यार अब वापस से सर्कल में था जाना, तो यार अब करेंगे भैया साहब सफ़र सुहाना। तो यार वापस से बैठते हैं गाड़ी में, और भाई साहब थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होता है कि बंदे किस तरफ हैं, और यार इतने छोटे से सर्कल में 6 बंदे होते हैं, तो यार आप लोग समझ सकते हो
मतलब यार क्या समझाना चाहता हूँ मैं, आप लोग समझ सकते हो भाई। तो यार यहाँ पे अब कुछ नहीं बोल सकता मैं भाई, यहाँ पे देखो क्या ही गार्ड लेवल का एम्पर होता है। तो यार यहाँ पे मतलब भाई देख सकते हो आप लोग भाई कि ये शॉटगन लेके बंदा ऐसा बैठा होता है यार, थोड़ा सा भी पता नहीं चलता। तो यार यहाँ पे भाई अब हील एक ही फर्स्ट एड होता है, उसको भी मैं लगा लेता हूँ। और भैया कलुआ देखो कैसा टीवीपी ले रहा होता है। तो यार इसके बाद मैं पेन किलर चबाता हूँ, देखो कलुआ कैसे होगा नॉक विद द फ्रैग ग्रेनेड। तो यार यहाँ पे एक बंदा बीआरडीएम लेके भाई चारों तरफ घुमा रहा होता है, तभी भैया कलुआ हो जाता है नॉक। तो यार इसको करते हैं रिवाइव, लेकिन यार उससे पहले मतलब यार ये फुट स्टेप के चक्कर में इस वाले कैंपिंग वाले बंदे के मैं भाई साहब कुछ समझ में ही नहीं आता है मेरे, और मेरे पास फर्स्ट एड भी नहीं होता है। और भाई साहब मैं जंप करता हूँ यार, पता नहीं क्यों इतना देर में होता है। उसके बाद भाई मैं गाड़ी में बैठता हूँ, धुआं देता हूँ यार। तो यार अगर गेम प्ले वीडियो पसंद आया हो भाई तो यार लाइक।